वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से। भाजपा के नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए। दिग्गज राजनेता शकुनी चौधरी के पुत्र रोहित चौधरी ने मंगलवार को पार्टी के कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। रोहित चौधरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू में शामिल कराया। इस मौके पर विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। जेडीयू में शामिल होने के बाद रोहित चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति आस्था को मन में रखकर मैं जेडीयू में शामिल हुआ हूं। जेडीयू से मेरा पुराना नाता रहा और मैं समता पार्टी का भी सदस्य रहा हूं। मुंगेर जिले के तारापुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले से बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है। मुंगेर की राजनीति में शकुनी चौधरी के परिवार का अहम रोल होता है। ऐसे में रोहित की जेडीयू में एंट्री को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी हो कि शकुनी चौधरी की तारापुर में गहरी पकड़ है और उनकी मर्जी से कुशवाहा वोटर अपना मिजाज बदलते हैं। जाहिर है उपचुनाव को देखते हुए जेडीयू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रोहित के भाई बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं, साथ ही नीतीश सरकार के मंत्री भी हैं। सम्मान का ख्याल हम लोग रखेंगे, लेकिन आप सब साथी जो आज जनता दल यू परिवार के सदस्य हुए हैं, आप सबों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ से लौट के जाइए, गांव गांव में तारापुर के विधानसभा क्षेत्र में फैल जाइए और जनता दल यूनाइटेड का झंडा बुलंद करिए और वहाँ जीत का मार्जिन, जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, जीत का मार्जिन डबल कर देने का काम करिए, तभी इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे और उनको मुंहतोड़ जगह दे सकेंगे। और बाकी तारापुर तो सपनी बाबू का कार्यक्षेत्र रहा, तारापुर सपनी बाबू का कार्यक्षेत्र रहा है। तारापुर के गली गली घर घर से चप्पे चप्पे से सपनी बाबू परिचित हैं, तो इसलिए अब सपनी बाबू भी हम जा रहे हैं, कल से वहाँ हैं। सपनी बाबू से भी आग्रह करेंगे कि वो निकलेंगे और सब लोग हम लोग मिलके तारापुर का जीत का मार्जिन दोगुना करेंगे। यही आग्रह और विनती आप सबों से करते हुए कि यहाँ से लौट के जाइए, सब लोग लग जाइए, इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबों से विनती करते हुए और पुनः रोहित चौधरी जी का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।